इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलने वाली है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये रही कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाना खाते। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपने सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी, बकरी और चिड़िया सब साथ में बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आइए आपको एक और कहानी सुनाता हूं, एक बिल्ली और चूहे की। एक बिल्ली थी जो बहुत ही चलाक और चौकस थी, और उसकी इसी चलाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तड़पने लगी। एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छुप जाते थे। भूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई। उसने सभी चूहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है। सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटे हुए अपने बिल से देख रहे थे। उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चलाक है, इसलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही। धीरे धीरे चूहों को लगने लगा कि बिल्ली सचमुच मर चुकी है। वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलते हैं और निकलकर जैसे ही बिल्ली की टेबल के पास पहुंचे, बिल्ली ने छलांग मारकर दो चूहे को पकड़ लिया। इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चूहे अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए। दो चूहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूख से तड़पने लगी, क्योंकि चूहे अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। अब इस बार फिर से पेट भरने के लिए बिल्ली एक नई योजना बनाने में लग गई, लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी, इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे में ढक लिया। चूहों ने सोचा कि वो आटा है और उसे खाने के लिए आ गए, लेकिन उसी में से एक बुढ़े चूहे ने उन्हें रोक दिया। उसने ध्यान से आटा देखा तो उसे उस आटे में बिल्ली की आकार नजर आया, और तभी बुढ़े चूहे ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सब कोई अपने अपने बिल में चले जाओ, यहाँ पर आटे में बिल्ली छुपी हुई है।
बूढ़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुंचा तो बिल्ली भूख से परेशान होकर वहां से चली गई और सारे चूहे बच गए। इस तरह बूढ़े चूहे ने अपने अनुभव से सारे चूहों की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को माननी चाहिए और धोखे से बचने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।